आम आदमी के लिए मोटरसाइकिल की सवारी भी भारी। मोटरसाइकिल के पुर्जे 100 से 80% तक महंगे हो गए। मोटरसाइकिल चलाने वाले और डीलर्स परेशान। डीलर्स का कहना है कि स्पेयर पार्ट्स महंगे होते रहे तो आम आदमी मोटरसाइकिल चलाना छोड़ देगा। हुकूमत का किसानों से खिलवाड़। भावलपुर में किसान खाद के हुसूल के लिए खार। सस्ती तो दूर, किसानों को महंगी खाद भी दस्तियाब नहीं। हुकूमत ने एक हफ्ता कबल खाद की कीमतें कम की थी। उधर डीलर्स हुकूमती अहकामात पर अमल दरामद से गुरेज़ां। कहते हैं हुकूमत ने एतमाद में लिए बगैर खाद की कीमतों में कमी का ऐलान किया। 2 जून को हुकूमत से मुज़ाकरात में फैसला होगा। सूबाई हलका 217 में जमनी इलेक्शन। डीसीट एमपीए सलमान नईम का वाइस चेयरमैन पीटीआई शाह महमूद कुरैशी को बड़ा चैलेंज। बोले अगर शाह महमूद कुरैशी इलेक्शन लड़े तो मुकाबला करूंगा। इमरान खान ने वादे पूरे नहीं किए, इसीलिए हमजा शहबाज को वोट दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत बाकायदा साजिश के तहत हटाई गई। पीटीआई के एमएनए अमजद अली खान नियासी कहते हैं साजिश और खून खराबा रोकने के लिए 25 मई को वापसी का फैसला किया। भक्कर में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कारकुनान के खिलाफ झूठे मुकदमात दर्ज किए जा रहे हैं। हो सकता है अगला मार्च डीजी खान या जनूबी पंजाब से शुरू हो। गरीबों के लिए घर बनाना भी पहुंच से बाहर हो गया। सीमेंट की कीमतों में होशरुबा इजाफा। सीमेंट की फी बोरी कीमत में 50 रुपए का इजाफा। फी बोरी कीमत 900 रुपए हो गई। शहरियों का हुकूमत से महंगाई में कमी का मुतालबा। हुकूमत के रिलीफ के नारे खोखले निकले। कहरोड़ पक्का में 2 हफ्तों से यूटिलिटी स्टोर पर आटा गायब। शहरी पेट की आग बुझाने के लिए मार्केट से महंगे दामों आटा खरीदने पर मजबूर। शहरियों का हुकूमत से सब्सिडाइज आटे की मार्केट में दस्तियाबी को यकीनी बनाने का मुतालबा। गरीब पकाए तो क्या पकाए, सब्जियों की कीमतों में रोज परोज इजाफा। रहीम यार खान में टमाटर, भिंडी, कद्दू और बैंगन 20-20 रुपए किलो महंगे हो गए। प्याज 10 रुपए महंगा बिकता रहा। भावलपुर में प्याज 70 रुपए और लीमू 200 रुपए किलो में फरोख्त। खीरे 50 रुपए किलो, आलू नया 80 रुपए किलो और करेला 80 रुपए किलो हो गया। उसने तो आग ही लगा दी, इतनी महंगाई है, इतनी महंगाई है तो कोई साहब नहीं है। मर्चे उस दिन मिलेगी 40 रुपए किलो, आज 90 रुपए किलो हो पड़ी।